राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बारिश का मौसम है और ऐसे में कभी कभी होता क्या कि घर में कोई सब्जी नहीं होती। ऐसे में आप मसूर के दाल के पकोड़े की सब्जी बनाइए। ये सब्जी और इसके पकोड़े खाने में दोनों ही टेस्टी लगता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है दाल बड़े मसूर के और उबला हुआ आलू। तो इस तरह मैंने पकौड़ों को तल लिया है और आलू को मैंने इस तरह से कट करके सेलो फ्राई कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पर लिया है दो बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, हींग, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, मिर्च और हल्दी पाउडर, नमक, जीरा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो अभी हमने गैस को किया ऑन और कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो डालिए तेल। तेल गर्म हो गया तो यहाँ पर डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हींग और बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। थोड़ा सा नमक डालकर हमें इसे गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। तो इस तरह से हमें बीच बीच में चलाते भी जाना है। तो देखिए अभी प्याज का कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो मैं अब इस स्टेज पे डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी थोड़ी देर हमें भून लेना है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हल्दी और 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और इन्हें हमें अच्छे से प्याज के साथ भून लेना है। तो इस तरह से हमें चलाते जाना है। अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला डालने से सब्जी का स्वाद थोड़ा सा चटपटा हो जाता है। और अभी मसाला बिल्कुल यहाँ पर भून चुका है, तो मैं यहाँ पर डालूंगी कसूरी मेथी और इसे भी मसालों के साथ हमें मिक्स कर लेना है। अब मैं इस स्टेज पे डालूंगी दही, लेकिन दही डालने से पहले हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और दही डालते के साथ हमें अच्छे से मसालों में दही को मिक्स करना है। इस तरह से चलाते रहना है। अब हमें इसे ढककर थोड़ी देर तक भून लेना है। यहाँ पर मसाला भून चुका है, तो मैं इसमें आलू डाल रही हूँ और इसे भी थोड़ी देर में भून लूंगी। नमक स्वादानुसार और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ गरम पानी। आप कभी भी सब्जी बनाने के टाइम गरम पानी का ही यूज करें, इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर रोटी चपाती के साथ खाना है तो ग्रेवी कम रखिए, अगर चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी ज़्यादा बनाइए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ दाल बड़े। ध्यान रहे जब दाल बड़ा हम डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है, इसलिए पानी उसके अकॉर्डिंग ही आप डालें। ये गया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अभी हमें इसे ढक देना है और मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी। देखिए दाल बड़ा भी पका हुआ, आलू भी पका हुआ, ये सब्जी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए आप इसे बीच बीच में चेक करते रहें। तो सब्जी यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमें गैस को कर देना है बंद। ध्यान रहे जैसे ही सब्जी थोड़ा ठंडा होगा तो ग्रेवी थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए ग्रेवी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो एलो जी, हमारा मसूर दाल और आलू की सब्जी बनकर रेडी हो गया है। ये सिर्फ आप मसूर के दाल के पकौड़े से भी ये सब्जी बना सकते हैं, लेकिन मेरे मिस्टर को थोड़ा आलू डाला हुआ पसंद आता है, इसलिए मैंने इसमें आलू ऐड किया है। तो आप इस सब्जी को गर्मा गर्म फूल के या चावल के साथ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और मसूर के दाल वड़े का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।